पड़ा है, लेकिन आखिर बाद जो आश्वासन दिया उसमें बाकायदा तारीख दी गई है कि लगभग इस अगस्त तक इनकी जो भी समस्याएं उसे पूरा कर लिया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रबोध। और अगली खबर हमें मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र के दूसरे दिन ही कार्रवाई जारी है। विधानसभा में कलिंगा विश्वविद्यालय की पीएचडी डिग्री का मामला उठाया गया है। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने ये मामला उठाया। उन्होंने कलिंगा विश्वविद्यालय में पीएचडी कराने के मापदंड की जानकारी मांगी है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि यूजीसी के मापदंड के अनुरूप पीएचडी कराई जाती है। अजय चंद्राकर ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराई जा रही पीएचडी की जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक चंद्रदेव राय के सवाल पर उद्योग मंत्री की जगह मोहम्मद अकबर के जवाब देने पर आपत्ति उठाई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा होता नजर आया। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मंत्री जी को बैठा करके बाकी लोग जो जवाब देते हैं, ये परंपरा उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रश्नकाल का जो समय है वो समय को खराब करते हैं, और इतने जनहित के मुद्दे लगाए जाते हैं, तो कृपया इस पर आप थोड़ा सा निर्देशित करें। थैंक यू। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राम